अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन यानी जितने भी वेस्ट्स हैं हमारी बॉडी में उनको निकालना। तो जो भी वेस्ट होता है, चाहे वो हमने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम में कि वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है शरीर के अन्य भागों से, तो यहाँ पर से क्या होता है कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बॉडी में, इन सब से कुछ ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली निकलता है। नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रोजन होता है इनमें। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक अलग से क्रिया होती है, और इस क्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन में सबसे मुख्य रोल जो है वो हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग किडनी का होता है। तो यही एक्सक्रीशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है हमारे बॉडी में इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि सबसे प्रमुख हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग होते हैं किडनी, किडनी के अलावा यूरेटर, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। ये चार सबसे प्रमुख अंग हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जो भी वेस्ट है वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, सबसे पहले वो किडनी में आएगा। और किडनी में आने के बाद ये क्या होगा कि इसमें मुख्यतः तो वेस्ट होंगे, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और यूरिन के फॉर्मेशन होने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त बहुत सारे वेस्ट होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट नहीं है, जैसे कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, प्रचुर मात्रा में इसमें पानी होगा। यहाँ पर से हम ये देखते हैं कि ये रीअब्सॉर्ब भी हो जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट है वो यूरिन के साथ साथ किडनी से होता हुआ यूरेटर में चला जाता है, और ये जो यूरेटर है इसे यूरिनरी ब्लैडर में ले जा करके स्टोर कर देता है। और यूरिनरी ब्लैडर में तब तक ये स्टोर होगा जब तक एक अर्ज ना आ जाए किसी भी जीव जंतु को इसे बाहर निकालने के लिए, और जब ये होता है तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये जो यूरिन है ये शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो मेन फिल्ट्रेशन है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये किडनी में हो रहा है। किडनी के बाद यूरेटर की क्या भूमिका है, यूरेटर की भूमिका ये है कि ये जो यूरिन है या साथ में जो भी यूरिक एसिड या यूरिया के रूप में जो भी वेस्ट होंगे, इनको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाना यूरेटर का काम होता है। और अंत में यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर वो स्थान है जहाँ पर ये पूरा यूरिन स्टोर होगा, और अंत में जब इसे शरीर से बाहर निकलना हो तो शरीर से बाहर ये यूरेथ्रा की मदद से निकल जाएगा। तो ये सबसे चार प्रमुख भाग हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के, इनके बारे में आप ध्यान रखें। अब ये चैप्टर समाप्त करने के पहले एक प्रमुख और बात हमें जो पढ़नी है वो है नेफ्रॉन्स के बारे में। तो ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने लंग्स के केस में देखा कि वहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारे कैपिलरीज होती हैं चारों तरफ, वैसे ही जो किडनी है, किडनी के भी चारों तरफ छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स के एक आप कह सकते हैं कि एक पूरा जाल होता है जो फैला होता है चारों तरफ। इनकी क्या भूमिका होती है, हमने बात की कि जो भी वेस्ट है वो वेस्ट या तो यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में अधिकतर होगा, लेकिन साथ साथ हमने ये भी बात की कि अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, पानी हो सकता है, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, ये भी यहाँ पर वेस्ट के साथ मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर से सेलेक्टिवली ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हम इनका कह सकते हैं। एक सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो भी वेस्ट है वो यहाँ से फिर बाहर निकल आता है। तो ये नेफ्रॉन्स आप याद रखें क्या है कि नेफ्रॉन्स एक पूरा जाल है, एक कैपिलरीज का पूरा जाल है जो कि किडनीज के चारों ओर होता है, और इनके थ्रू हम देखते हैं कि वेस्ट जो है उनका आदान प्रदान हो सकता है। तो ये बात हो गई इंसानों की। अब बात हम यहाँ पर प्लांट्स के बारे में भी कर सकते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से हम एक्सक्रीशन होते हुए देखते हैं। अब एक छोटा सा डिस्कशन हम करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कई प्रकार के तरीके होते हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन को होते हुए हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम वेस्ट की बात करें तो
इवन ऑक्सीजन को आप वेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का काम नहीं होता, ऑक्सीजन तो बाहर आ जाता है, हमारे लिए तो वरदान है लेकिन प्लांट्स के लिए वेस्ट है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट से बाहर आ जाता है, जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस पानी होता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर आ जाता है। बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं सेल के अंदर। इसके अलावा बहुत सारा वेस्ट ऐसा भी होता है जो कि पत्तों में स्टोर होते हैं, और पत्ते जब गिरते हैं तो उसके साथ वो वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा अगर हम गम और रेजिन की भी बात करें तो गम और रेजिन भी एक तरह से मैकेनिज्म है वेस्ट डिस्पर्जल के लिए, रिमूवल के लिए। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में बहुत तरीके से वेस्ट जो है वो बाहर निकल सकता है प्लांट के, और ये सभी अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन तो खैर बाहर निकलता ही है पत्तों से, स्टोमाटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन होने से पानी जो है एक्सेस पानी वो बाहर आ जाता है। बहुत सा वेस्ट ऐसा होता है जो वैक्यूल में होता है, वैक्यूल आपको याद होगा हमने सेल में पढ़ा था। पत्तों में बहुत बार वेस्ट को जमा करते हैं कई सारे पौधे, और फिर ये पत्ते जब गिर जाते हैं सूख करके तो ये जो वेस्ट है इनका निवारण हो जाता है। और गम और रेजिन अगर आपने बहुत सारे पेड़ों में अगर देखा हो तो ये भी वेस्ट ही होते हैं, और एक प्रकार से जो भी पेड़ होते हैं ये अपना वेस्ट निकाल रहे होते हैं। स्पेशली जो जाइलम टिश्यू होता है इसका जो वेस्ट होता है ये हम गम और रेजिन के फॉर्म में बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो ये हो गई बात एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है एक्सक्रीशन का, हमने ह्यूमंस में देखा किस प्रकार से होता है और हमने देखा प्लांट्स में किस प्रकार से होता है। तो यहीं पे मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।